नमस्कार रोसारो टीम, आप सभी से ये छोटा सा वीडियो शेयर करना चाहेंगे और कुछ अहम बातों के बारे में बात करना चाहेंगे जो आजकल कठिन समय चल रहा है रोसारो के लिए और सभी क्लब्स एंड लाउंजेस के लिए। उसके बारे में कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस करना चाहेंगे। सबसे पहले आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद कि इस महीने की जो तनख्वाह है उसमें आप सभी लोगों ने 5-5 दिन की छुट्टी ली है और किसी को नौकरी से निकालने की जगह आई थिंक कि ये बहुत ही अच्छा वे है हम सब मिलकर थोड़ा थोड़ा प्रेशर लें जो हमने लिया इस महीने, चाहे वो आपके जनरल मैनेजर सर रंजीत सर हों, चाहे आपके बाकी मैनेजर शेफ्स हों, चाहे एंट्री लेवल के टीम मेंबर्स हों, सभी ने 5-5 दिन एक्स्ट्रा छुट्टी ली है जिससे कि हम अपनी तनख्वाहों को बेटर मैनेज कर पाएँ और समय से हर खर्चे को देखते हुए और करते हुए चले। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये बहुत ही कठिन समय है। बहुत सारे सवाल आप सभी लोगों के हैं कि इस महीने तो सर 5 दिन की सैलरी 5 दिन की हमें एक्स्ट्रा छुट्टियां मिल गई, सैलरी एडजस्ट हो गई, क्या अगले महीने अक्टूबर में भी यही होगा, क्या उसके अगले महीने नवंबर में भी यही होगा, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, कब करेंगे, ये कब तक चलता रहेगा, वगैरह वगैरह। जैसे आपके पास इतने सारे सवाल हैं, हम भी आप ही के साथ इसी नाव में सवार हैं और हमारे पास भी यही सवाल हैं। मैं आपसे बस इस वीडियो के माध्यम से इतना कहना चाहूँगा कि आप हमें जानते हैं, आप इस कंपनी को ढंग से जानते हैं, हमारी नीयत साफ़ है। हम चीज़ों को तरीके से करने की कोशिश पहले भी करते थे और करते थे और आज भी चीज़ों को तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। इस महीने जो 5 दिन की छुट्टी दी गई सभी टीम मेंबर्स को एक्स्ट्रा और उनकी सैलरी एडजस्ट करी जाएगी, वो इस महीने की कहानी थी, मतलब जो सितंबर महीना चला गया। अक्टूबर और नवंबर में क्या हमें ये करना पड़ेगा या नहीं, इसका कोई जवाब नहीं है, पर हम इतना कह सकते हैं कि हम आप पर प्रेशर तभी आने देंगे जब सिचुएशन हमारे हाथ से बाहर होगी। हम आप पर प्रेशर तभी आने देंगे जब सिचुएशन हमारे हाथ से बाहर होगी। अगर चीज़ें ठीक ठाक चलती रहें, रेवेन्यू ठीक ठाक होता रहे और हम बेसिक बिजनेस करते रहें तो हम शायद आप पे किसी भी तरह का प्रेशर डालना नहीं चाहेंगे। पर फिर वही चीज़ कि इसका क्लियर आंसर हमारे पास भी आज नहीं है। जैसे जैसे दिन निकलेंगे, जैसे कल रविवार का दिन और परसों शनिवार का दिन, शनिवार में इतना अच्छा बिजनेस नहीं हुआ पर कल रविवार में हमने अच्छा बिजनेस किया, तो अगर आप दोनों दिन को मिलाएं तो पिछली बार जैसे शनिवार रविवार जैसा ही मोर और लेस हमने बिजनेस किया। अगर कल बिजनेस बैठ जाता तो हम सबको तकलीफ होती। तो ये जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि हमारे पास हर चीज़ का जवाब नहीं है, पर हम अच्छी नीयत से काम कर रहे हैं, हम आज भी सिस्टमैटिकली काम कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि आप बिना डरे हुए, बिना परेशान हुए इस कठिन समय में थोड़ी सी हिम्मत लगाकर काम करें रोसारो के साथ और नियो के साथ और चीज़ों को बेहतर बनाएं। समराइजिंग जो मैंने आपको अभी तक बोला है, आपकी सैलरीज अक्टूबर नवंबर में कैसी रहेंगी इसका क्लियर जवाब मेरे पास नहीं है, पर हाँ जब तक कंपनी पे सुपर प्रेशर नहीं आएगा हम अपनी तरफ से कुछ भी गलत या बुरा नहीं करना चाहेंगे अपनी टीम मेंबर्स के साथ। लास्ट मंथ 25 तारीख को सर्विस चार्ज देना था, हमने पूरा पूरा सर्विस चार्ज सभी टीम मेंबर्स को अदा किया। इस महीने 10 तारीख को तनख्वाहें जानी हैं, वो भी हम चाहेंगे कि हम तरीके से आपको टाइम से तनख्वाहें दे पाएँ। 3 दिन पहले हमने किराया भरा रोसारो का, जो कि मोटा अमाउंट होता है, समय से भरा। दिन ब दिन जैसे जैसे खर्चे आते हैं हम उनको करने की समय से कोशिश कर रहे हैं। जैसे सभी टीम मेंबर्स की, चाहे आपके GM हों, चाहे एंट्री लेवल स्टाफ हो, उन्होंने 5-5 दिन छुट्टी ली है और अपनी तनख्वाहों को एडजस्ट किया है, वैसे ही मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि पिछले 2 से 2.5 महीने से रोसारो के किसी भी ओनर या किसी भी पार्टनर ने कुछ भी एक रुपया भी रोसारो से नहीं निकाला है। जिस दिन से तकलीफ का समय चालू हुआ है रोसारो के लिए, हम में से किसी ने भी एक भी रुपया रोसारो से नहीं निकाला है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम आपसे बलिदान या आपसे सेक्रीफाइस मांग रहे हैं, हम ऑलरेडी ये चीज़ कर रहे हैं और हमें नहीं मालूम हम कब रोसारो से एक भी रुपया निकाल पाएंगे, अगर निकाल पाएंगे या नहीं। हम सब एक ही नाव में सवार हैं, पर ये वो टाइम है जब हम सबको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे।
हो सकता है हमारे पास ग्राहक कुछ कम आ रहे हों पहले के मुकाबले, क्योंकि जब 11 बजे 11:30 बजे जगह बंद हो जाएगी तो सारे ग्राहक नहीं आते हैं, क्योंकि ग्राहकों को लेट नाइट तक एंजॉय करना होता है। तो लोग अपने फार्म हाउस बुक करके, अपने एयरबीएनबी बुक करके वहाँ पार्टीज कर रहे हैं, पर लाउंजेस और क्लब्स में कम आ रहे हैं। इससे हमारे धंधे को फ़र्क तो पड़ा है, पर आपने देखा होगा कि रोसाडो को इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है। मतलब कि ऐसा नहीं है ग्राहकों ने आना बंद कर दिया है, आज भी हमारे पास एक अच्छा फुटफॉल आता है रोज़, चाहे वो मंडे हो, चाहे फ्राइडे हो, चाहे सैटरडे हो या संडे हो। अब हमें अपने एरियाज़ में अपना काम और बेहतर करना है, जिससे कि हम कुछ एक्स्ट्रा रेवेन्यू बना पाएँ और कुछ पैसे, कुछ कॉस्ट को बचा पाएँ, और ये हम सबकी जिम्मेदारी है। आप सोचते हैं 10,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च हो जाएं कंपनी के, सेठ जी के खर्च हो रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क हम सबको पड़ता है, ठीक है जी। सेठ जी कोई 10,000 रुपये घर से लाके नहीं देंगे, सेठ जी 10,000 रुपये लेकर नहीं जाएंगे क्योंकि धंधा खराब है, पर घर से कोई सेठ जी पैसा लाके नहीं देंगे। इसी धंधे से हमें पैसा निकालना है, किराया भी निकालना है, तनख्वाहें भी निकालनी है, सब्जी वाले को भी पेमेंट करना है, चिकन वाले को भी पेमेंट करना है, और मेंटेनेंस भी देनी है, और एसी वाले को भी पेमेंट करना है, और बिजली का बिल भी भरना है। तो इसी इन्हीं तेलों से तेल निकलेगा, इन्हीं तेलों से तेल निकलेगा, ये हमें क्लियर बात समझनी चाहिए। सो अगर हम हर सेक्शन की बात करें रोसाडो में, हम फ्रंट डेस्क से चालू करें, क्या हम फ्रंट डेस्क पे जैसे 2 महीने पहले काम करते थे वैसे ही कर रहे हैं, या हम थोड़ी हिम्मत मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं? क्या हम सेल्स कॉल कर रहे हैं? क्या हम आगे बढ़कर ग्राहक का वेलकम कर रहे हैं? क्या हम कॉर्पोरेट कॉल्स कर रहे हैं कि सर आइए हमारे साथ एक इवेंट बुक करिए और इन्जॉय करिए? क्या हम गेस्ट की तरफ देखकर, जो भी 2 ग्राहक 20 ग्राहक 200 ग्राहक आ रहे हैं, जो पहले 400 500 आते थे, क्या हम उनकी तरफ स्माइल कर रहे हैं? क्या हम उनका ध्यान रख रहे हैं? क्या हम उनको उनकी मनपसंद टेबल पर बिठा रहे हैं? आपको अपने आप से पूछना हो, क्योंकि वो एक्स्ट्रा एफर्ट इन्हीं कठिन दिनों में अगर हम करेंगे तभी हम इस तकलीफ से उभर कर बाहर आएंगे। ये तकलीफ हमेशा के लिए नहीं रहेगी, हमें इससे उभर के स्ट्रांग ताकतवर बाहर आना है। तो क्या हम फ्रंट डेस्क पे ये सब एक्स्ट्रा चीजें कर रहे हैं? आगे बढ़ते हैं, क्या हम अपने सेक्शंस में, रोसाडो के हर सेक्शन में, चाहे वो सेक्शन 1 हो, 2 हो, आपका वीआईपी एरिया हो, पॉकेट 4 पॉकेट 5 हो, एल्फ्रेस्को एरिया हो, क्या आप साफ सफाई का एक्स्ट्रा ध्यान रख रहे हैं? क्या एक भी टेबल जो आपके ग्राहक आए हैं रेस्टोरेंट में, क्या आपके सेक्शन में, क्या आप उनको अपसेलिंग कर रहे हैं? क्या आप उनकी ज़रूरतों को आगे बढ़कर समझ के उनको पूरा कर रहे हैं? क्या आप उनको वेलकम और धन्यवाद कर रहे हैं? क्या आप वो स्माइल, जेन्युइन स्माइल उनको दे रहे हैं कि सर वेलकम टू रोसाडो, आप मेरे सेक्शन में आके बैठे हैं, आज मैं आपका भरपूर ध्यान रखूंगा। कुछ अच्छे फीडबैक्स जो गजेंद्र ग्रुप पे शेयर करते हैं, बहुत सारे टीम मेंबर्स का नाम भी आता है, ग्राहक खुश होकर जाता है, जहां हम 2 रिव्यू लिखवा रहे हैं, क्या हम 2 रिव्यू और लिखवा सकते हैं? अगर कोई ग्राहक नहीं भी रिव्यू लिख रहा तो क्या हम इंश्योर कर सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा खुश होकर जा रहे हैं रोसाडो से, जिससे कि वो 10 लोगों को जाके बताएं कि रोसाडो एक अमेजिंग जगह है, और वहाँ पर आप अपने दोस्तों के साथ, कपल्स के साथ, परिवार के साथ, बच्चों के साथ जा सकते हैं, इंजॉय करने, डांस करने, शानदार खाना खाने और पीने। किचन में क्या हम अपनी कॉस्ट का ध्यान रख रहे हैं? क्या हम इंश्योर कर रहे हैं कि हर चटनी, हर डिप जो हर आइटम के साथ जा रहा है वो स्वाद से भरा हुआ है? ऐसा नहीं कि बस हरी चटनी बना दी या लाल चटनी बना दी और छोड़ दिया। क्या हम हर पिज्ज़ा की क्वालिटी का ध्यान दे रहे हैं? क्या हर एक बटर चिकन, हर एक पनीर बटर मसाला किचन से शानदार तरीके से गार्निश होके फुल लबाब के साथ निकल रहा है? क्या हम अपनी कॉस्ट बचा रहे हैं? क्या हम सब मिलके अपने बिजली के यूनिट्स बचा रहे हैं, या फिर हम हर जगह की लाइट ऑन छोड़ रहे हैं, या हर जगह के एसी और कूलर ऑन छोड़ रहे हैं? इन सब चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा हम सबको। अगर हम सब मिलके थोड़ा थोड़ा अपनी तरफ से करेंगे तो हम बहुत सारा पैसा कंपनी के लिए बचा सकते हैं, रोसाडो के लिए बचा सकते हैं, और इसी पैसे से हम अपने सारे खर्चे अदा करेंगे, ठीक है जी। सो एक ही छोटा सा वीडियो आपके लिए बनाया था कि आपको बोल पाएं कि ये जो कठिन दिन हैं इनसे हम उभर के बाहर आएंगे, बस हमें और ताकतवर होके बाहर आना है। रोसाडो कोई साल 2 साल चलने वाला क्लब या लाउंज नहीं है, रोसाडो एक लंबी रेस का घोड़ा है, और इसे हमें तरीके से, मेहनत से और सही नीयत से चलाना है और लंबे समय तक चलाना है। तो जब ये कठिन दिन खत्म होंगे तो हमें और ताकतवर होकर बाहर आना है। उसके लिए हम सबको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, चाहे फ्रंट डेस्क हो, चाहे यूटी हो, चाहे किचन हो, चाहे सिक्योरिटी हो, चाहे रेस्टोरेंट में लड़के हो, चाहे बार में हो। क्या हम बार में एक्स्ट्रा ध्यान दे रहे हैं? क्या हम जैसे पहले चीज़ें करते थे वैसे ही कर रहे हैं? क्या हम चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हम ध्यान दे रहे हैं कि हमारे ग्लास ना टूटे? क्या हम ध्यान दे रहे हैं कि हम चम्मच कांटों को डस्टबिन में ना फेंके? क्या हम ध्यान दे रहे हैं कि हमारे टीस्पून सब बराबर हैं या
गुम नहीं रहे या टूट नहीं रहे? क्या हमारी क्रॉकरी कम टूट रही है? इन दिनों तो क्रॉकरी टूटनी ही नहीं चाहिए, ग्लास टूटने ही नहीं चाहिए, इतना ध्यान रखना चाहिए हम सबको, क्योंकि जितना आइटम टूटेगा, खराब होगा, वेस्ट होगा, वो हम सबकी जेब से जाएगा, वो इस कंपनी की जेब से जाएगा। और इन कठिन दिनों में हम सबको वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने हैं, बार, फ्रंट डेस्क, ड्यूटी, किचन, सर्विस, मैनेजर्स, एवरीबडी हैज टू पुट इन दोज एक्स्ट्रा एफर्ट्स। क्या डीजेस बेटर म्यूजिक बजा रहे हैं? क्या डीजेस आगे बढ़ के ग्राहक का ध्यान रख रहे हैं? हर सेक्शन हमें कुछ एक्स्ट्रा करना होगा, तभी हम इस तकलीफ की सिचुएशन से बाहर आ पाएंगे। इस वीडियो को मैं समराइज करता हूँ क्विकली। सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद जो सितंबर के महीने में आपने सैक्रिफाइस बलिदान किया है। आई होप ये हमें बहुत मदद करेगा। अक्टूबर नवंबर में सैलरीज कैसे आएंगी, कब आएंगी, क्यों आएंगी, कम आएंगी, ज़्यादा आएंगी, इस चीज़ का कोई जवाब मेरे पास आज क्लियर नहीं है। पर इतना कह सकते हैं कि हम अपनी तरफ से बेस्ट करेंगे आप सभी के लिए, और आप पे प्रेशर हमारी 100% कोशिश रहेगी कि आप पे और आपके परिवार पर प्रेशर ना आए, खासकर पैसे का। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने हर एक सेक्शन में चीज़ों को पुश करें, चीज़ों पे ध्यान दें, ग्राहक को और खुश करें, चीज़ों को कॉस्ट को बचाएं, चीज़ों को टूटने फूटने से रोकें, चीज़ों को घूमने से रोकें, अप सेलिंग करें, आगे बढ़ के ग्राहक की इच्छाओं को पूरा करें, अपनी टीम मेंबर्स का ध्यान रखें, एक दूसरे का ध्यान रखें, स्टाफ कैफेटेरिया में खाना वेस्ट ना करें, क्योंकि हर चीज़ रुपया है, हर चीज़ रुपया है। और रुपया आपको लगेगा कंपनी या सेठ का खराब हो रहा है, सिर्फ कंपनी और सेठ का नहीं, हम सबका खराब हो रहा है, क्योंकि इसी रोसाडो से हमें सारे पेमेंट्स करने हैं, इन्हीं तिलों से तेल निकालना है और हमें आगे बढ़ना है। और जब ये कठिन समय ख़त्म होगा तो हमें और ज़्यादा स्ट्रांग होकर बाहर आना है। हम आपके साथ खड़े हैं और हम अपना बेस्ट करते रहेंगे। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अगर अपना बेस्ट कर रहे हैं तो उससे थोड़ा और बेस्ट करने की कोशिश करें, और लेट्स कम आउट ऑफ दीज ट्रबल्ड टाइम्स टुगेदर मच स्ट्रॉन्गर, मच पावरफुल एंड मच बेटर। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय बाय।